So here Neha, said, Ma, who woke me up today? नेहा ने उस अपनी मम्मी को पूछा कि मम्मा आज मुझे किसने जगाया? नरेटर मदर स्माइल्स. नरेटर सेज डेट मदर इज नेहास मदर इज स्माइलिंग. नेहा की मम्मी है वो हंस रही है. मदर हु एल्स? यू ऑफ कोर्स. नेहा की मम्मी ने उससे कहा, और कौन? तूने ही अपने आप को जगाया. नेहा बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई? तो नेहा की मम्मी ने बोला, नेहा ने अपनी मम्मी को बोला, बट मैं तो सो रही थी, मैं कैसे अपने आप को जगा सकती हूँ? मदर नाउ टेल मी, व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? नेहास मदर टेल मी नेहा, व्हाई शी टेक्स हर लंच एवरी डे इन द आफ्टरनून एट 1 o'clock. नेहा की मम्मी ने नेहा को पूछा कि नेहा बताओ, आप क्यों अपना लंच दोपहर का खाना हर रोज एक ही टाइम पे 1 बजे खाते हो? नेहा आई फील हंग्री. सो नेहा गिव द आंसर. नेहा ने आंसर दिया उसकी मम्मी को, क्योंकि उसी टाइम पे मुझे भूख लगती है, आई फील हंग्री. उसी टाइम पे मुझे फील होता है कि मेरे को भूख लगी है. जब हमें भूख लगती है तो कैसा गुड़गुड़ जैसा पेट में फील होता है ना, वैसे. मदर व्हाई डू यू स्लीप एट 9 every night? तो मम्मी ने उससे पूछा कि नेहा टेल मी, व्हाई डू यू स्लीप एट 9 every night? नेहा मुझे बताओ, आप क्यों हर रोज रात को 9 बजे ही सो जाते हो? नेहा बिकॉज आई फील स्लीपी. तो नेहा ने आंसर दिया, क्योंकि मुझे उसी टाइम पे नींद आती है. मदर देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप. तो मम्मी ने आंसर दिया, मम्मी ने नेहा को समझाया और जवाब दिया कि देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू, कि नेहा हम सब के बॉडी में, हमारे सब के शरीर में, बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक है, एक नेचुरल क्लॉक जो भगवान ने बनाया है, जो क्लॉक हमें टाइम टाइम पे मैसेज देता है कि व्हेन टू ईट, हमें कब खाना खाना है, व्हेन टू स्लीप, हमें कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप, हमें कब उठना है. तो मम्मी ने नेहा को समझाया कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में एक नेचुरल क्लॉक है जो भगवान ने बनाया है, जो हमें टाइम टाइम पे मैसेज देता है कि व्हेन टू ईट, हमें कब खाना खाना है, व्हेन टू स्लीप, हमें कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप, हमें कब उठना है. इसलिए तो व्हेन देयर इज़ अ हॉलीडे विदाउट एनी अलार्म क्लॉक, वी वेक अप आवरसेल्व्स. कभी ऐसा होता है ना कि हॉलीडे होता है तो हम अलार्म क्लॉक भी नहीं लगाते, फिर भी संडे को ले लो, अगर संडे, कई बार ऐसा होता है कि हर रोज़ आपका मॉर्निंग स्कूल है और आप उठते हो उसी टाइम पे संडे, बिना अलार्म क्लॉक सुने, बिना मम्मी के जगाए, मम्मी भी नहीं जगाते, फिर भी आप कभी उठ जाते हो ना, तो वो कौन उठाता है? वो आपको आपका नेचुरल क्लॉक जो भगवान ने हम सबके बॉडी में रखा हुआ है, हम सबके दिमाग में रखा हुआ है, वो आपको मैसेज देता है उस टाइम पे. नेहा ओह आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस. तो नेहा ने उसकी मम्मी को बोला, अभी मुझे भागना पड़ेगा, यो मेरे लिए अच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस माय बस. आज मेरे को मेरी स्कूल की बस मिस नहीं करनी है, छोड़नी नहीं है, नहीं तो मेरी बस छूट जाएगी स्कूल की. मदर रिलैक्स, मम्मी ने बोला, शांति रखो, रिलैक्स, शांति रखो, टुडे इज संडे, आज तो संडे है, आज तो हॉलीडे है. नेहा ओ नेहा, अरे अरे अरे. सो डियर चिल्ड्रन, इन द होल स्टोरी ऑफ नेहा, व्हाट वी गेट द मैसेज, हमें क्या मैसेज मिलता है इन बाय द स्टोरी ऑफ नेहा अलार्म क्लॉक? वी गेट द मैसेज डेट देर इज़ अ नेचुरल क्लॉक, देर इज़ अ नेचुरल क्लॉक
in all of us who give us message that we when to eat, when to sleep and when to wake up. एक natural clock है जो भगवान ने बनाया है, जो हमारे सब के बॉडी में है, जो हमको ऑलवेज मैसेज देता है कि हमें कब उठना है, कब खाना खाना है, कब सोना है. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ नेहा. इट इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम द नेहास अलार्म क्लॉक बाय गिरजा रानी अस्थाना. थैंक यू वेरी मच.